हैप्पी बर्थडे टू गुरुजी माताजी। आज उन दोनों का मैरिज एनिवर्सरी है। आज के दिन दो बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा 3 जुलाई को 5-6-7 जुलाई को हैदराबाद में थी और मुझे गुरुजी ने मैरिज एनिवर्सरी को जो 5-6 जून को था 1998 को मुझे बुलाया था। मैं अपने साधकों के साथ गुरुजी की मैरिज एनिवर्सरी जोधपुर में मनाई जा रही थी। गुरुजी बहुत बीमार थे फिर भी मैरिज एनिवर्सरी के लिए आए। वहां का दिन मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुजी आने के बाद तो वहां के गुरु भाई बात कर रहे थे तो गुरुजी ने बुलाकर कहा जोशी तू बात कर। मैंने उस समय क्या बात करूं यह मेरी दुविधा में था। फिर भी मुझे लगा कि गुरुजी हमारे दक्षिण भारत में बालाजी हो या कोई नरसिंह मंदिर हो ऐसे इसमें जहां पति पत्नी का मंदिर होता है वहां नित्य कल्याण होता है। रोज उनकी कल्याण करते हैं और कामना करते हैं जिनके घर में शादियां नहीं होती शुभ कार्य नहीं होता उनके लिए वह कल्याण का कार्यक्रम किया जाता है। मैं आज से हमारी गुरु परंपरा में यह एक परंपरा हम भी चालू करें। अगर गुरुजी माताजी का यह कल्याण महोत्सव हम भी आरंभ करें तो हमारे घर में भी शुभकामनाएं और शुभ घड़ियां हमारे घर में भी आएंगी ऐसी कामना रखता हूं। गुरुजी से आशीर्वाद मांगता हूं कि ऐसे ही गुरुजी और माताजी का कल्याण उत्सव हम भी मनाएं जैसा साउथ में दक्षिण भारत में मनाया जाता है मंदिरों में। गुरुजी बहुत खुश हुए और वह 1998 की आखिरी मैरिज एनिवर्सरी थी क्योंकि गुरुजी उसके एक महीने के बाद महाप्रयाण करके चले गए थे और उस मैरिज एनिवर्सरी में मैं उपस्थित था। आज आपके सामने 2023 चल रहा है और हम कम से कम कुछ भी नहीं बोलते 25 साल के बाद आज हम कर रहे हैं। हम माताजी पिताजी का यह जो कल्याण उत्सव है वो करके हम भी यह कामना करेंगे कि गुरुजी का आशीर्वाद हम पर हो और हमारे घर में भी शुभ घड़ियाँ आएँ शुभ कार्य हमारे घर में भी हो ऐसी कामना करता हुआ कि कट कर रहा हूँ।